इतना बड़ा हस्ता हो गया जो दारू पी के गाड़ी चला रहा था और पीछे ही तीन आदमी को मार के आया है, तीन चार को। दिल्ली सरकार ने इतने सीसीटीवी कैमरे लगाए, इतने करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ या कुछ भी हुआ, ये पीछे से अनियंत्रण गाड़ी आ रही तो ये रोकी क्यों नहीं गई? नीचे गिरे हमको कोई होश हवास नहीं, कौन घींचा नहीं घींचा। मैम गाड़ी जमीन में चल रही नहीं थी, हवा में उड़ रही थी, वो तो गाड़ी इतनी स्पीड थी उसकी 150-160 की रही होगी। खड़े हुए वाहन को 100 मीटर की दूरी पे फेंका है रोड पे, और जो रिक्शे पे बंदा मरा है वो एक ही बार में खत्म है स्पॉट पे तुरंत। हमको दो लड़के यहाँ है छोटे छोटे, कमाने वाला कोई नहीं है, हम सिर्फ कमा पाल लेते बच्चे को। गाड़ी में भी कुछ नहीं बचा है, आदमी भी नहीं बचा, रिक्शे में भी नहीं बचा है। पैसे को मदद न देगा तो कैसे हम जिएंगे, धरती पर किसको मुंह देखेंगे। अभी तक यहाँ कोई पूछने नहीं आया, मैं मुआवजे की बात तो बहुत दूर की रही, कोई पूछने नहीं आया कैसे रह रहे हो, क्या खाया क्या पिया है। नमस्कार, मैं जारा, आप देख रहे हैं छलको दिल्ली। हम यहाँ यमुना बैंक की ओर जाने वाले हाईवे के पास मौजूद हैं। आपको बता दूं यहाँ पर 2 दिन पहले एक तेज रफ्तार कार के अनियंत्रित हो जाने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें नेवल नाम के एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और वही 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अभी पास नज़दीक के ही अस्पताल में उपचार चल रहा है। जिस व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हुई है उनके परिवार से हम बात करेंगे, वो बिहार के रहने वाले हैं। बड़ा हादसा होने के बाद क्या आर्थिक मदद मिल पाई है, क्योंकि उनका छोटा सा परिवार है, 3 उनके बच्चे हैं, और जो अब इस समय कैसे अपनी घर गृहस्थी को चलाएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है कैलाश यादव। तो ये हादसा कब हुआ? ये हादसा 11 बजे के लगभग हुआ। अच्छा, तो आपको मतलब उस घटना के बारे में आप बताइए कि क्या ऐसी वजह रही कि इतना बड़ा हादसा हो गया? इतना बड़ा हादसा हो गया जो दारू पी के गाड़ी चला रहा था और पीछे ही तीन आदमी को मार के आया है, तीन चार को, फिर अंतिम में लास्ट यहाँ हो गया है। जब रिक्शे को मार के, रिक्शे पर 2 आदमी थे, एक चलाने वाला था एक बैठे था, वो आदमी आ रहे थे दवाई लेकर के, हल्का फल्का सा चोट लगा हुआ था, तो उनके भाई बताया था जो तुम कहीं मत जाना, हम दवाई ला दूँगा, आराम से बैठना। ये बोला ठीक है, भाई गया तो ये गया अपने से दवाई लेने। तो उधर से आ रहे थे रिक्शे, उधर से वो बड़ी स्पीड में गाड़ी आ रहा था, कम से कम 160 की स्पीड में गाड़ी आ रहा था, गाड़ी नज़र नहीं आ रहा था जी कितनी स्पीड में जा रहा है। जब वो रिक्शे को मारा तो फिर ये जो काटने के लिए चाहा तो ये काट नहीं पाया, जाके वो छोटी हाथी में मार दिया, छोटा हाथी को 5 फुट ऊपर उठाया, उड़ा दिया, फिर पलट गया वो अपने आप। अपने उसके बाद में वो गाड़ी अपने आप घूम गया, वहीं खड़ा हो गया। अगर ये गाड़ी नहीं हाथी में मारता तो ये गाड़ी रुकने वाला नहीं था, पता नहीं आगे कितनी और हत्या करता। मैं सामने ये हत्या देखा और मैं कुछ नहीं देखा। यानी इस गाड़ी से इससे पहले भी हादसे हो चुके हैं? हाँ, उसी दिन पीछे ही हादसा होते ही आ रहा है, अक्षरधाम से पहले पीछे से आ रहा है, 2 अक्षरधाम पर घटना हुआ है और उससे पीछे घटना हुआ है। पुलिस वाले रोका भी, ये रोक नहीं पाया, रोका नहीं, भागते रह गया, भागते भागते अंतिम होके यहाँ आ गया। जो भी खतरना हुआ बस सिर्फ इतना रिपोर्ट लिख करके दे दिया है और लाश को दे दिया, हम लाश को अपना, हमारा लाश था, हम अपने घर ले गए हैं, उनके पैसे भी नहीं दिए हैं, हम अपने पैसे से लिए, कोई हादसा के पैसे उसको अभी ऊपर नहीं हुआ। उस समय रिक्शा आप चला रहे थे? हम ही चला रहे थे सर, वो जो था नेवल कुमार उसको हम दवाई दिला कर अपना साइड से मार रहे थे, हम गाड़ी वाले को नहीं देखे, वो आया पीछे से इतना जोर न मारा ना, हम ऊपर 5 फीट ऊपर चला गए। 5 फीट ऊपर रिक्शा? नीचे गिरे हमको कोई होश हवास नहीं, कौन घींचा नहीं घींचा। हमको मोबाइल था, 5200 रुपया था ये जेब में, सब ले लिया, आदमी सब घींच के हमको साइड किया, हम उतने देर में बेहोश हो गए। यानी कि कार इतनी तेज रफ्तार में थी कि आपको पता ही नहीं चला हुआ क्या? पते नहीं चला, इतना हम कहते हैं अन्हर भी, आंधी भी आता है ना, उसको भी तेज मार रहा था कार, हमको पता नहीं चला। वो फ्लाईओवर से आ रहा था, हम फ्लाईओवर से नीचे से साइड से आ रहे थे, हम उसको देख नहीं पाए, हमने सामने मार दिया हमको रिक्शे में, हाथ टूट गया यहाँ से पहुँचा बस, पीछे वाले बाएं साइड को टांग टूट गया और पेट में चोट है,
पेट भी फटा है, सर में भी चोट है, कुबी भी फट गया था, इकल गया था हड्डी इधर का, टूटा था हड्डी ये नहीं इधर का टूटा पहुँचे वाले। हमको दो लड़के यहाँ है छोटे छोटे, कमाने वाला कोई नहीं है, हम सिर्फ कमा के पाल देते बच्चे को, हमको जाल जमीन कुछ नहीं है, ये देह पर सारा काम हम कर रहे थे, रिक्शे खींच रहे थे। अभी कोई टाइम नहीं बताया है, बोला आपको मिलेगा, अब क्या कब मिलेगा ये तो अभी कुछ नहीं बताया। अब आदमी सही होगा अपना पैसा लगाएंगे, कितना लगेगा, 2 लाख लगता है, 50,000 लगता है, 10,000 सही हो जाता है, अभी तो हम नहीं बता सकते हैं। अभी तो ये पड़ा हुआ है, इसको लाइटनिंग पेशाब सब चीज़ कराना पड़ता है आदमी लग के, इसके पीछे दो आदमी बैठा हुआ, वो मतलब कितना दिन बैठेगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे से जो होगा यहाँ पे, तो इसको सियाना आदमी चाहिए, दो आदमी सेवा संस्कार करने के लिए। तो जिनकी इस हादसे में डेथ हुई है आप उनको कैसे जानते हैं? वो यहीं पे रहते हैं, ये उनका रहने का वास यहीं पे, कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ करीब हो गया उन्हें 5-7 साल रहते हुए यहाँ, उनका परिवार सारा बिहार में रहता है, इनके 4-5 भाई वो यहाँ रहते हैं। मैम वो दारू पी रखा था ड्राइवर जिन्होंने एक्सीडेंट किया है। दारू पे मतलब कैसे आपने देखा वहाँ आसपास कुछ? मैम उसकी गाड़ी में 2 बोतल पानी बिस्लेरी का, 1 वोडका का अड्डा, प्लस गाड़ी की चाबी, जूता सब उसका वहीं पे बरामद है गाड़ी में। अच्छा, ये सब गाड़ी में मिला? हाँ, गाड़ी में सब कुछ मिला है, ड्राइवर दारू पिए हुए। तो मतलब कितनी स्पीड में गाड़ी थी कि इस तरह इतना बड़ा हादसा हुआ? मैम गाड़ी जमीन में चल रही नहीं थी, हवा में उड़ रही थी, वो तो गाड़ी इतनी स्पीड थी उसकी 150-60 की रही होगी। दिल्ली सरकार ने इतने CCTV कैमरे लगाए, इतने करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ या कुछ भी हुआ, ये पीछे से अनियंत्रण गाड़ी आ रही तो ये रोकी क्यों नहीं गई? उसे रोकना चाहिए था, 1 बैरियल पे नहीं रुकी, 2 पे नहीं रुकी, उनने तो 4 आदमियों को मारने के बाद भी गाड़ी कहाँ रोकी मैम, वो तो आके छोटे हाथी को उड़ाने के बाद रुकी, जब वो गाड़ी स्पोर्ट खत्म हो गई तब रुकी है, नहीं तो वो भी नहीं रुकती, वो भी पता नहीं भी कितने गीता कानून तक साफ करती, जहाँ कहीं जाता वहाँ भी मारता वो। आप ये बताइए, आप बोल रहे थे कि सरकारी एम्बुलेंस भी नहीं मिली, तो नहीं मैम सरकारी एम्बुलेंस भी नहीं मिला है, 30,000 में गई एम्बुलेंस प्राइवेट, और उसके बाद किसी तरह का मुआवजा और मदद की बात भी अभी तक नहीं हुई है। अभी तक यहाँ कोई पूछने नहीं आया मैम, मुआवजे की बात तो बहुत दूर की रही, कोई पूछने नहीं आया कैसे रह रहे हो, क्या खाया क्या पिया है। लक्ष्मी नगर सदन के जो विधायक हैं वो भी वहाँ पे आए थे, वो कह रहे थे कोई रोड वोड जाम नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, आप लोगों के हिसाब से कानूनी कार्रवाई होगी, तो सभी लोग कानूनी कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं, आप पहले फर्स्ट लोग हो जो आप 2 लोग आए हो यहाँ पे पूछने के लिए हम लोगों के हाल चाल। अच्छा, उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये नहीं बताया कि किस तरह की मदद भी की जाएगी परिवार की? नहीं अभी तो मैम कोई ऐसा संदेशा नहीं आया कि कोई मदद की कोई ऐसी कोई पुकार नहीं है। सीबीआई एक मर्डर दिया है सिंधेवाल किशोर, जब मतलब मीडिया वाला जब वहाँ पहुँच गया सब आदमी, इसीलिए वो भी लाश को लेकर पुलिस वाला जा रहा था, जहाँ वहाँ पर हमारा आदमी चाय वाला रहता है, वो बोला क्या पुलिस वाले को, यहाँ से ले जाओगे तो आप जो है मतलब फंस जाओगे, क्यों ये हमारा आदमी है। उसके बाद जो है वो वहाँ छोड़ दिया, वो भी लाश को मतलब ले जा रहा था पुलिस वाला, उसको भी मतलब पचा देता क्या करता उसको। जैसे अभी 2 आदमी को उधर से वो मतलब स्पॉट मर्डर करके आया है, एक बैग वाले को, एक साइकिल वाले को, उसका लाश के पते नहीं चलने दिया है। अब हमको ऊपर कोई नहीं है, हम मर जाएंगे तो हमको बच्चे भी सब ढनक जाएगा। इस समय आपको आर्थिक मदद, पैसे की मदद चाहिए सरकार से? पैसे को मदद नहीं देगा तो कैसे हम जिएंगे, धरती पर किसको मुंह देखेंगे। तो जैसा कि आपने देखा ये पूरा हादसा किस तरह से हुआ, कार जो है बेहद ही अनियंत्रित होकर रोड पर चल रही थी और इतनी तेज रफ्तार में वो थी कि रिक्शे वाले को या कोई भी जो आगे था उनको पता ही नहीं चला कि ये क्या हुआ, उनको इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो कुछ कर पाते। और अभी जो है हमारी सरकार से यही अपील है इनके हालात को देखते हुए कि सरकार को इनकी मदद करनी चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम इन लोगों को मुआवजा दिलाने में जो है कामयाब हो सकें। कैमरामैन वेदांत के साथ मैं जारा, छलको दिल्ली।